देखिए आज हम लोग जो है कंट्रोल आर्म जब फेल होता है तो सीक लाइन में हम लोग क्या क्या डायमेंशन चेक करेंगे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वॉशिंग पिट पे क्या होता है, तो देखिए सर कंट्रोल आर्म को सबसे पहले इसका ना कुछ कंपोनेंट का नाम समझ लीजिए, किसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। अनुन इधर दिखाइए, ये मेरा जो है बॉगी फ्रेम हो गया, ठीक है। तो बॉगी फ्रेम का जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं बॉगी फ्रेम सपोर्ट ब्रैकेट, ठीक है। ये वाला ये मेरे बॉगी फ्रेम के साथ में है, लेकिन ये कंट्रोल आर्म बॉगी फ्रेम सपोर्ट ब्रैकेट होगी, है कंट्रोल आर्म ब्रो इसको जो है ब्रैकेट बोले सपोर्ट ब्रैकेट, ठीक। दूसरा मेरे पास है यहाँ पे कंट्रोल आर्म रबर पिवोट बूस, ठीक। उसमें ये वाला पिन हो गया, जैसे ऊपर दिखाइए, ये ऊपर से दिखाइए, ये मेरा कंट्रोल आर्म का जो है रबर पिवोट बूस हो गया, उसमें से ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग पिन बोलेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, कंट्रोल आर्म रबर पिवोट बूस पिन, ठीक। दूसरा तीसरा पॉइंट हम याद रखेंगे, ये वाला मेरा थ्रेडेड पिन हो गया, ठीक। ये वाला इसको ये जो पर्सन आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, लॉकिंग ब्लॉक बोलेंगे, ठीक। लॉकिंग ब्लॉक कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक। ये लॉकिंग ब्लॉक हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये जो प्लेट दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे सिक्योरिटी प्लेट, ठीक है, सिक्योरिटी प्लेट। यहाँ पर हम जो है M20/100 का एक बोल्ट लगाएंगे। तो अब होता क्या है कि जब आप वॉशिंग पिट अटेंशन कर रहे हैं तो वॉशिंग पिट में क्या होगा कि हमको क्या क्या चेक करना है। पहला, ये जो आपका कंट्रोल आर्म सपोर्ट ब्रैकेट है और ये पिवोट बूस्ट पिन है, शॉर्ट में हम बोल देते हैं बूस्ट पिन, ठीक है, कंट्रोल आर्म पिवोट बूस्ट पिन रबर पिवोट बूस्ट पिन, इसके बीच में यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊपर भी और यहाँ पर जो आपका बूस्ट हो गया, बूस्ट पिन हो गया और लॉकिंग ब्लॉक यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ भी गैप मेरा नहीं होना चाहिए। अगर ये गैप 0.1 mm आ गया तो वॉशिंग पिट पर हम क्या करेंगे, इसको पहले मेंटेन करेंगे। अगर ये मेंटेन नहीं हो पा रहा है तब हम क्या करेंगे, कोच को डैमेज करेंगे सीक लाइन के लिए, और सीक लाइन में आकर के हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको रेक्टिफाई करना है, ठीक है। दूसरा, ये जो आपका कंट्रोल आर्म सपोर्ट ब्रैकेट है और लॉकिंग ब्लॉक है, इसके बीच में यहाँ पर गैप होना चाहिए, ठीक है। तो ये गैप जो है नॉमिनल वैल्यू इसका 1 mm है। अब ये जब सीक लाइन में आएगा तो सीक लाइन में 0.2 से 1.5 mm तक हम लोग इसको अलाउ करेंगे, ठीक। यहाँ पर ये वाला गैप ब्रैकेट कंट्रोल आर्म सपोर्ट ब्रैकेट एंड लॉकिंग ब्लॉक के बीच में ये वाला गैप, ठीक। अब सीक लाइन में और क्या काम करेंगे, सीक लाइन में और एक काम करेंगे जब हम इसको जो रेक्टिफाई करेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक M20/100 का बोल्ट दिया हुआ है, तो लॉकिंग ब्लॉक यहाँ पर लॉकिंग ब्लॉक के पास जो है यहाँ पे इस बोल्ट में हम ओरिंग डालेंगे, ओरिंग भी कभी कभी घिस जाता है, ठीक। और तीसरा काम क्या करेंगे, ये जो आप सिक्योरिटी प्लेट दे रहे हैं टाइट करके इसको, ठीक है, टॉर्किंग के साथ यहाँ पर हम इसको बेंड कर देंगे ताकि ये फिर से जो है लूज ना हो जाए। तो इतना काम हम सीक्लन में करेंगे। अब सीक्लन में हमको क्या करना है कि जब मेरा कंट्रोल आर्म के लिए डैमेज होगा गाड़ी, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, कुछ डायमेंशन चेक करना है, ठीक है। तो डायमेंशन हम क्या क्या चेक करेंगे, और एक चीज़ समझिए आप, ये मेरा जो है यहाँ पे जो है गैप आता है, ये गैप क्यों आएगा, किस किस कारण से आएगा, मेरा तीन कारण हो सकता है। पहला होगा मेरा कारण, ये जो कंट्रोल आर्म सपोर्ट ब्रैकेट है ये मेरा घिस जाए, ठीक। दूसरा मेरा होगा ये जो आपका कंट्रोल आर्म रबर पिवोट बूस्ट पिन है, पिन मेरा घिस जाए, ठीक है। और तीसरा होगा मेरा जो लॉकिंग ब्लॉक दिख रहा है, ब्लॉकिंग मेरा घिस जाए, ब्लॉक घिस जाए। ये तीनों कंडीशन में जो है यहाँ पे गैप आ जाएगा, ठीक है, और ये जो है सटने का यहाँ पे गैप नहीं रहेगा। तो ये आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये लॉकिंग ब्लॉक ब्लॉक, ठीक। ये आपका हो गया लॉकिंग ब्लॉक, मेरा ये जो कंट्रोल आर्म पिवोट बूस्ट पिन। तो हमको डायमेंशन क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले जो है हम देखेंगे कंट्रोल आर्म पिवोट बूस्ट पिन जो है इसका जो डायमीटर होता है 85 mm। तो अब यहाँ पर देखिए आपको अगर दिख रहा होगा तो ये जो आपको अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये रेडियस नहीं है, यहाँ से यहाँ तक यही रेडियस है मेरा, ये रेडियस से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाला हमको यहाँ पर डायमेंशन चेक करना है, ठीक है। जब गाड़ी आएगी डैमेज होकर के तो सीक लाइन में हमको इसका डायमेंशन चेक करना है कि ये कितना घिसा है, ठीक है। ये जो इसका मेरा हाइट होता है कंट्रोल आर्म पिवोट बूस्ट पिन का हाइट, ये होता है 52.5 mm, 52.5 mm, ठीक है। अब इसका कुछ टॉलरेंस है, कितना टॉलरेंस है, तो 52.455 से लेकर के 52.782 तक, ठीक है। तो इतना टॉलरेंस इसका दिया गया है।
अब एक और बात देखिए आप, इसका हमको जो है हाइट में नापना है, तो हाइट नापेंगे हम लोग क्या करेंगे, वर्नियर के लिपर लेंगे। वर्नियर के लिपर को आप ऐसे जो है यहाँ पे सेट करिए, ठीक है, इधर से दिखाइए साइड से, चलिए यहीं से दिखाइए, यहाँ से वर्नियर के लिपर लेंगे, वर्नियर के लिपर से यहाँ पे सेट करेंगे। देखिए यहाँ पे मिड में लीजिएगा, साइड में नहीं लीजिएगा, इसके बीच में जहाँ पे, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे आप इसका रेडियस लेते हैं, यहीं पे हम वर्नियर के लिपर लेंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक। अब देखिए ये जो है मेरा 52 हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे जीरो दिखाइए, देखिए ये 50 51 52.5, ठीक है, 52.5 आपका एग्जैक्ट आ रहा है, मतलब ये नया वाला भी बूस्ट पिन दिखा रहे हैं, तो ये 52.5 mm आपका एग्जैक्ट आ गया, देखिए आप, ठीक है। वर्नियर के लिपर से जब हम मेजर कर रहे हैं इसका, तो यहाँ पे आप जीरो देखिएगा, ठीक है, इधर वाला पॉइंट मत देखिएगा, यहाँ पे जीरो देखिएगा तो आपका आ गया 50 51 52, 52 से ज़्यादा है, 53 से कम है, 52.5 mm, ठीक। तो ये मेरा हो गया, अब इसका डाया जो है वो 85 mm होगा, ठीक है, तो इसका हम टॉलरेंस भी समझ लिए। दूसरा क्या होगा, दूसरा मेरा जो लॉकिंग ब्लॉक हम लोग लगाते हैं, कंट्रोल आर्म लॉकिंग ब्लॉक, ये अगर घिस जाएगा तो भी आपका यहाँ पे गैप बन जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका हमको डेप्थ नापना है, ये डेप्थ जो है 9 mm होना चाहिए, ठीक है। तो 9 mm हम कैसे चेक करेंगे, इसको जो है यहाँ पर ये वाला, ठीक है, यहाँ से जो है देखेंगे, ये देखिए ये डेप्थ चेक देख रहे हैं, ये 9 mm होना चाहिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाइए, ठीक है, 9 mm है, जीरो जो है 9 है जी, है ना। तो ये आपका ये नया वाला लॉकिंग ब्लॉक है, जब आपका पुराना वाला रहेगा तो ये बढ़ जाएगा डेप्थ, ठीक है, ये बढ़ जाएगा, ये घिस जाएगा, तो अगर ये घिस गया तो हमको इसको चेंज करना है, ठीक है, ये वाला हो गया। तीसरा हम क्या करेंगे, इधर दिखाइए, ये जो कंट्रोल आर्म सपोर्ट ब्रैकेट है, ब्रैकेट भी घिसेगा, तो ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट का आपका डाया कितना होता है, इनर डाया वो होता है 85 mm, और रेडियस कितना होगा उसका आधा कर दीजिए, 85 का आधा कितना हो गया, 42.5, 42.5 mm, ये वाला हो गया। इसका जो है डेप्थ हम लोग अभी कितना नापे थे, 9 mm, तो 42.5 mm और 9 दोनों को ऐड करिए कितना होगा, 51.5 हो गया, 51.5 mm। और ये जो बूस है, बूस का हाइट कितना हम लोग नापे हैं अभी, 52.5, तो इस दोनों को लगा करके जब यहाँ पर लगाएंगे तो कितना हो गया, कितना का अंतर आ रहा है, 51.5 1 mm का अंतर, यही 1 mm का अंतर जो है इस यहाँ पे गैप बनता है, ठीक है। तो ये जो गैप है यही 1 mm मेरा बन रहा है, तो ये 1 mm मेरा नॉमिनल गैप होना चाहिए, किसके किसके बीच में, कंट्रोल आर्म सपोर्ट ब्रैकेट एंड लॉकिंग ब्लॉक के बीच में यहाँ पे 1 mm का गैप होना चाहिए। लेकिन जब हम सीक्लाइन अटेंशन करेंगे तो 0.2 mm से लेकर के कितना mm तक देंगे, 1.5 mm तक हम लोग रखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे गैप रहना चाहिए, तो इस तरह से जो है हम लोग कंट्रोल आर्म का आपका क्या करेंगे, मेजरमेंट लेंगे, ठीक, चलिए, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।